Yes, students, yesterday I have discussed with you problems of Weimar Republic, clear? And in this, different topics are there, and any question can be asked on Treaty of Versailles, then economic crisis, then depression, then defects of Weimar Constitution. Separate questions can be asked. What you have to prepare for long question, all the headings, and again, all the headings should be explained by you in 3-4 lines. Only then whole question will be completed. Clear? Now, after that, I have discussed with you rise of Hitler, popularity of Nazism. When you will explain about the popularity of Nazism, then again, from the previous topic, you can write down some of the headings, like number one, political instability. In this, you can explain about the position, political condition of Germany, like earlier monarchy system was there. After that Weimar Republic, it was a democratic, got 20 times government changed. So that's why many ministers and deputies, they keep on changing. And there was not a, can say, majority government or one leader that can lead the country and that can lead the development in the country. Then after this Treaty of Versailles, humiliating terms of Treaty of Versailles, that whole of the Germany was facing this problem, and when these Weimar Republic delegates, they came back, they were called November criminals by the people of their own country, जिन्होंने उनको elect करके भेजा था, ठीक है? इसके बाद फिर हमने किया political career में हमने बताया सबसे पहले इसका birth 1889, born in 1889, ठीक है? Then इसके बाद फिर आपने बताना है that he spent his childhood in extreme poverty. Then, after defeating in the First World War, he joined politics. फिर आपने parties का name बताना है, German Workers Party. उसके बाद, when he led the party, जब एक party का important member बन गया, then he renamed the party और यही party आगे जाकर क्या बनी, Nazi Party. Yeah? इसके बाद अब आपने फिर ये बताना है कि कैसे इसकी political party और कैसे इसने अपनी image जो है वो लोगों के mind में बिठाई, उसके लिए आपने 2 years का डाटा देना है. सबसे पहले आपने बताना है 1928, यानी कि 1928 में जब कंट्री में इलेक्शंस हुए थे तो नाजी पार्टी को सिर्फ मिले 2% वोट्स, जो कि बहुत कम थे. क्लियर? इस थर्ड पॉइंट जो है जिसमें हमने पॉलिटिकल करियर बता रहे हैं, उसमें हमने एक ईयर डाटा के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है कि 1928 में नाजी पार्टी को मिले सिर्फ 2% और 1932 में जब इलेक्शंस हुए, ये वो टाइम था जिस टाइम में जर्मनी में डिप्रेशन होकर अटा था और फैक्ट्रीज बंद थी, इंडस्ट्रीज बंद थी, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही थी. और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नाजी पार्टी कुछ प्रॉमिसेस लेकर आई, फुल एम्प्लॉयमेंट और सेफ फ्यूचर या यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज. तो लोगों को ये लगा कि शायद ये कुछ डिफरेंट करके दिखाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे गेव चांस टू हिटलर एंड हिज पार्टी. एंड दिस टाइम ही वन विद द मेजोरिटी. ये फर्स्ट टाइम था किसी पार्टी को इतने परसेंट मिले. कहने का तो हम कहते हैं कि 50 से ज्यादा हो तो मेजोरिटी होती, लेकिन फर्स्ट टाइम था. अदरवाइज मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक क्या होते थे, कोलिजन गवर्नमेंट बनती थी, कोई भी पार्टी को, नॉट इवन सिंगल पार्टी वॉज एबल टू गेट क्लियर कट मेजोरिटी. लेकिन 1932 में नाजी पार्टी को 37% वोट्स मिलना, ये एक तरह से उस टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा था जब किसी पार्टी को इतने परसेंट वोट्स मिले. अब रीजन क्या था, क्योंकि इसके लिए रीजन था उसकी पर्सनैलिटी. फिर हम बताएंगे हिटलर की पर्सनैलिटी. नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसमें हमने उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, डायनेमिक पर्सनैलिटी. इसमें हमने सारे उसके पॉजिटिव फीचर्स बताने, नेगेटिव नहीं बताना, क्योंकि हमने बता रहे हो कि उसकी ये जो है वो राइज कैसे हुआ, उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी कैसे हुई. ठीक है, सबसे पहले पावरफुल स्पीकर. अब उसकी पर्सनैलिटी के सारे ट्रेट्स बताने हैं. ठीक है, पावरफुल स्पीकर, यानी कि उसकी स्पीचेस को लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते थे. ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में लोगों का वाइमर रिपब्लिक से फेथ उठ चुका था, यानी कि अब वो हिटलर की स्पीचेस या हिटलर जो भी उनके बारे में, कंट्री के बारे में उनको ड्रीम्स दिखाता था, लोग उन ड्रीम्स को खुद देखते थे. ठीक है, पावरफुल स्पीकर. तो ये भी एक, अब हमें ये बताना क्या क्या रीजंस बने जिसके कारण लोगों ने हिटलर को वोटिंग की और उसकी पार्टी को सपोर्ट किया. ठीक है, देन फिर हमने बताना है, देन न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. उसने एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, न्यू स्टाइल
ऑफ पॉलिटिक्स. वो खुद एक सोल्जर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, लेकिन उसने अपनी पॉलिटिकल मेंबर्स को इस तरह से ड्रेसअप किया कि वो सोल्जर लुक में ही लगते थे. तो जब भी वो कहीं भी रैलीज या कहीं भी स्पीचेस या कहीं भी इकट्ठे होते थे तो लोग उनको दूर दूर से देखने आते थे, क्योंकि एक डिफरेंट स्टाइल उसने पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, तो ये भी एक तरह से लोगों के लिए एक नया चार्म था. देन क्लैपिंग पैटर्न जो था, क्लैपिंग स्टाइल ड्रम बीट्स के साथ, क्लैपिंग स्टाइल यानी कि जब भी उसकी रैली में स्पीचेस के बाद जब क्लैपिंग होती थी तो वो भी उसके जो फॉलोअर्स थे उसको एक अलग से ड्रम बीट्स के साथ क्लैपिंग होती थी. तो ये भी एक नया, एक तरह से नया एनवायरनमेंट था लोगों के लिए. ठीक है, देन उसके प्रॉमिसेस, क्या प्रॉमिस किया उसने? नंबर वन, फुल एम्प्लॉयमेंट, कि अगर उसकी पार्टी को पावर में आने दिया गया तो वो क्या करेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट, सेफ फ्यूचर फॉर यूथ, सेफ फ्यूचर फॉर यंग जनरेशन, यानी कि यंग जनरेशन के लिए कंट्री जो है वो सेफ एंड सिक्योर होगी. तो उस टाइम पीरियड में 1932 में ये सारा कुछ सोचना, ठीक है, तो लोगों को ये लग रहा था कि कैसे करके दिखाएगा. सो दैट्स व्हाई दे गिव चांस और अपॉर्चुनिटी टू हिटलर एंड हिज पार्टी. ठीक है, देन ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जिसमें लोगों को ये लगा कि हिटलर जो है वो सेवियर, मसीहा है सोसाइटी में, उनको बचाएगा. तो ये रीजन थे कि जिसके कारण लोगों ने हिटलर की पार्टी को वोट किया. ठीक है, तो जितना ये टॉपिक है ये सारा है राइज ऑफ हिटलर, पॉपुलैरिटी ऑफ नाजिज्म. कुछ भी आए, चाहे राइज ऑफ हिटलर आए चाहे पॉपुलैरिटी ऑफ नाजिज्म आए, तो दोनों का जो पॉइंट्स है वो आपके सेम ही होंगे. क्लियर? अब एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? हाँ जी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट्स. इसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? और अर्लियर वी हैव कम्प्लीटेड टू टॉपिक्स, फर्स्ट इज वाइमर रिपब्लिक प्रॉब्लम, सेकंड वी हैव कम्प्लीटेड राइज ऑफ हिटलर एंड पॉपुलैरिटी ऑफ नाजिज्म. थर्ड टॉपिक इज, दैट इज इन जर्मनी अप टू 1932 तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन हिटलर जब 1932 के बाद 37% वोट्स मिले, उसके बाद जब हिटलर की एंट्री हुई पॉलिटिक्स में, यानी कि कंट्री की एक मेजर पॉलिटिक डेवलपमेंट जो है वो हुई, उसमें हिटलर ने क्या किया? ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कंट्री का गवर्नमेंट का पैटर्न चेंज कर दिया. एंड इसको हम क्या कहेंगे? हाउ ही डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी. और अगर डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्ट की तो उसने क्या एस्टेब्लिश किया? डिक्टेटरशिप. दोनों में फर्क क्या है? डेमोक्रेसी डेफिनेशन क्या होती है? फॉर्म ऑफ पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. ठीक है, जिसमें लोग इलेक्शंस के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. डिक्टेटरशिप क्या होती है? जिसमें ओनली वन रूलर इज देयर और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, या एक जो है वो कंट्री का रूलर होता है या कुछ ग्रुप्स या टू और थ्री हो सकते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप. इसमें इलेक्शंस नहीं होते, डिक्टेटर अपनी विल तक, अपने पावर के बेस तक जब तक चाहे वो कंट्री को रूल कर सकता है. जैसा हिटलर ने क्या किया 1933 से लेकर 1945 तक रूल किया, तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुई. ठीक है, तो इतना लंबा टाइम पीरियड हिटलर ने जब जर्मनी में स्पेंड किया तो कैसे उसने, हिटलर ने अपनी कंट्री को डेवलप किया. लेकिन उसके पहले अब हमने इसमें सारा नेगेटिव बताना है. पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी प्रेज की, इसमें हमने उसका नेगेटिव बताना है. पावर में आने के बाद हाउ ही मिसयूज्ड हिज पावर्स. ठीक है, तो अब ये याद रखना, कई बच्चे पता क्या करते हैं, इसमें ही लिख देते हैं पिछले वाले पॉइंट्स. लाइक अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें आपने इकोनॉमिक क्राइसिस, डिप्रेशन, आर्टिकल 48 ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखने, क्योंकि उसमें तो हिटलर का रोल ही नहीं है. ठीक है, यू विल राइट दोज पॉइंट्स दैट विल सपोर्ट दैट हाउ हिटलर ही डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी. इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फायर डेक्री. डेक्री का मतलब क्या होता है? ऑर्डर. ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने डेक्री पढ़ा था. डेक्री, डेक्री का मतलब होता है ऑर्डर, जिसमें गवर्नमेंट नए लॉ बनाकर पुराने ऑर्डर्स को चेंज कर देती है, पुरानी डेक्रीज या पुराने लॉज को चेंज करते हैं.
तो फायर डेक्री, यहाँ पे फायर डेक्री का मतलब क्या है? अब ये इसमें अब अलग अलग जो डेट्स हैं वो आपने जरूर मेंशन करनी है, वो मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ, ये सारी डेट्स आपने इसमें मेंशन करनी। 1932 मैंने अभी बताया कि 37% वोट्स मिलने के बाद उस टाइम पीरियड में कंट्री में जो प्रेसिडेंट, ये सारा आपने इसमें मेंशन करना है, ठीक है? कंट्री के प्रेसिडेंट कौन थे? हिंडेनबर्ग, ठीक है? अब हिंडेनबर्ग जो थे उनकी पोजीशन टॉप पोजीशन का मतलब होता है जैसे कंट्री में फर्स्ट पोजीशन जो थी वो प्रेसिडेंट की पोजीशन, ठीक है? अब जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही जर्मनी में प्रेसिडेंट के नीचे जो पोस्ट होती है उसको कहा जाता है चांसलर, ठीक है? तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, ही इनवाइटेड ऑन 30th January 1933, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखो, 30th January 1933 हिटलर बिकेम चांसलर ऑफ द कंट्री, यानी कि नंबर टू पे था, क्लियर? ऑन 30th January 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफ जर्मनी ही इनवाइटेड हिटलर टू बिकम द चांसलर ऑफ कंट्री इन ऑन 30th January 1933, क्लियर? लेकिन हिटलर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सेकेंड पोजिशन, ठीक है? ही वॉन्टेड फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन में वो कैसे आता, और इसीलिए उसने क्या किया, आप देखो ड्यूरेशन देखो, 30th January 1933 को वो चांसलर बना, चांसलर का मतलब होता है सेकंड टॉप पोजीशन, और इसके नीचे सारे डेप्यूटीज और मिनिस्टर्स थे। लाइक ये सोच लो कि जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही जर्मनी में पोस्ट जो है वो चांसलर की पोस्ट थी, ठीक है? अब 30th January को जब वो चांसलर बना तो उसके बाद कंट्री में उसने कुछ कॉन्स्पिरेसी या जिसे हम कहते हैं कि प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग की कि जिसके कारण वो फर्स्ट पोजिशन पे आ सके, ठीक है? और जब पार्लियामेंट, यहाँ पे आप याद रखोगे पार्लियामेंट, यहाँ की जर्मन की जो पार्लियामेंट थी उसका नाम क्या था, राइक्सटैग, जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटैग, ठीक है? और इनके पार्लियामेंट के जैसे हमारी कंट्री में एमपीज होते हैं, इनके एमपीज को क्या बोलते हैं, डेप्यूटीज, इनके जो एमपीज हैं उनको क्या बोलते हैं, डेप्यूटीज, ठीक है? तो चांसलर बनने के बाद प्रेसिडेंट ने हिटलर के साथ और जितने भी डेप्यूटीज थे उनके साथ मीटिंग जो है वो बुलाई, जैसे लोकसभा का सेशन हो रहा है, दीज डेज सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज गोइंग ऑन, तो आजकल चल रहा है सेशन, ऐसे ही राइक्सटैग में डेप्यूटीज की जो है वो मीटिंग बुलाई गई, चांसलर हिंडेनबर्ग ऑल वर प्रेजेंट देयर, एंड सडनली फायर ब्रोक आउट, यानी कि क्या हुआ, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो थी, ठीक है, उसमें आग लग गई, लेकिन उसमें हिंडेनबर्ग और कुछ डेप्यूटीज की डेथ हो गई, ठीक है? हिटलर बच गया और हिटलर की पार्टी के लोग बच गए, तो आप खुद सोचो कि ये कॉन्स्पिरेसी थी शायद, लेकिन इसका प्रूफ नहीं मिला कि वो आग किसने लगवाई, ठीक है? और इस सारे फायर इंसिडेंट का फायदा किसने लिया, हिटलर ने, और कंट्री में लोग जो है वो किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इसके लिए उसने क्या किया, ऑर्डर पास किया, सिंपल आप इसको याद रखो, फायर ऑर्डर, फायर डेक्री या फायर ऑर्डर वॉज पास, एक ऐसा ऑर्डर जो फायर लगने के बाद पास किया गया उसको बोलते हैं फायर डेक्री और फायर ऑर्डर। कौन सी डेट को, 28 February 1933, यानी कि देखो कितनी देर में, जनवरी में बना और 28 February में उसने फायर ऑर्डर लगाकर प्रेसिडेंट की डेथ भी हो गई, और उसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट, यानी कि प्रेसिडेंट नहीं बना, उसने क्या किया, कंट्री का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसको चेंज करने का उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, 28 February 1933 को उसने क्या किया, ही सस्पेंडेड सिविल राइट्स, लोगों के राइट्स जो है उसने सस्पेंड कर दिए, और सिविल राइट्स को सस्पेंड करना मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ताकि लोग गवर्नमेंट को किसी तरह से अपोज ना कर पाए, और सेकेंड थिंग क्या होती है कि लोग किसी भी तरह से रैलीज प्रोटेस्ट जो है वो ना कर पाए, तो जब लोगों की ये पावर ही बंद हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसने क्या किया, लोगों का उनके हाथ बांध दिए ताकि वो लोग उसको अपोज ना कर सके, एंड दिस वॉज अ मेन रिजल्ट ऑफ फायर डेक्री 28 February 1933, सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स बाय द हिटलर, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट, ठीक है? इसके बाद सेकेंड हमने बताना है, ये हिटलर जो था इससे सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि तो उसकी मेन जो है वो एस्पिरेशंस क्या थी, वो कंट्री में टॉप पोजीशन चाहता था,
इसीलिए उसने क्या किया, कंट्री में एक और एक्ट पास किया, सेकंड एक्ट याद रखो इंपॉर्टेंट डेट 3 मार्च 1933 एनेबलिंग एक्ट। सेकंड पॉइंट आपका बनेगा एनेबलिंग एक्ट, एनेबलिंग एक्ट वॉज पास ऑन 3 मार्च 1933। क्या था, एनेबल करना, कंट्री को एनेबल करना। एनेबल करना मतलब पहले डेमोक्रेटिक था उसको खत्म करके, जैसे हम जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया कि नाउ जर्मनी विल बी एनेबल्ड एज अ डिक्टेटर कंट्री, ठीक है। और उसने क्या किया, कंट्री को क्या बना दिया, एक डिक्टेटरशिप कंट्री, एनेबल्ड, एनेबल्ड जर्मनी एज डिक्टेटर कंट्री। उसने 3 मार्च 1933 को एक नया एक्ट पास किया, क्योंकि वो खुद नंबर वन पे था, हिंडनबर्ग नहीं था, प्रेसिडेंट की पोजीशन है ही नहीं थी, और सारे के सारी जो मिनिस्ट्री थी, डेप्यूटीज थी, वो उसकी पार्टी से बिलोंग कर, मेजोरिटी पार्टी थी, और मेजोरिटी पार्टी होगी तो वोटिंग इजीली हो जाती है, वोट करवा के उसने क्या किया, कंट्री का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, एंड नाउ एनेबल जर्मनी एज डिक्टेटरशिप कंट्री, एंड ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंडर किया। आप खुद सोचो कि जनवरी फरवरी और मार्च इन 3 मंथ्स में लोगों की क्या हालत होगी, जिन लोगों ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना था, अब लोगों को डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मिल रही थी। लेकिन अभी भी हिटलर का वो नेगेटिव जो एक उसकी इंप्रेशन था वो लोगों के सामने अभी भी नहीं आया था। लेकिन अब इसके बाद 3 मार्च 1933 के बाद ही स्टार्टेड मिस यूजिंग हिज पावर्स। अब हम उसका नेगेटिव सारा ट्रेट बताएंगे। अब उसने क्या किया, अब आप खुद सोचो कि जब उसने जर्मनी को एनेबल कर दिया, डिक्टेटरशिप कंट्री बना दिया, तो जो पिछले जो लोग मोनार्की को सपोर्ट करते होंगे, जो लोग वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते होंगे, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपोज किया होगा। लेकिन उस टाइम पीरियड में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज टेकन बैक, बट स्टिल मैनी पीपल दे अपोज, तो हिटलर ने उनके साथ क्या किया। थर्ड, अब हमने बताना है ही एस्टैब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स किनके लिए, कैंप्स का मतलब होता है प्रिजन टाइप सेल, सेल मतलब छोटा सा कैबिन, और उसमें ऐसे लोगों को डिटेन कर दिया जाता है जो लोग कौन थे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ठीक है। अब हमने बताना है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वर एस्टैब्लिश फॉर दोज हु अपोज हिटलर, जो हिटलर को अपोज करते थे, चाहे उसकी अपनी ही पार्टी के क्यों ना हो, देवर डिटेन, डिटेन का मतलब देवर अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल। अब खुद सोचो कि डिक्टेटरशिप कंट्री में किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट नहीं चाहिए, देवर अरेस्टेड एंड देवर कैप्ट इन द प्रिजन सेल, प्रिजन सेल का मतलब छोटे छोटे कैबिन्स में उनको रखा जाता था। वहां पे रखने का मोटिव क्या था, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेना, ताकि वो लोगों को किसी भी तरह से भड़काए ना हिटलर के अगेंस्ट। और इसके लिए उसने क्या किया, ही मेड अ लिस्ट ऑफ 52 टाइप ऑफ कम्युनिटीज, 52 टाइप ऑफ कम्युनिटीज, यानी कि हिटलर जिनसे हेट्रेड करता था, जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता था, ऐसी कम्युनिटीज या ऐसे ग्रुप्स की लिस्ट बनाई, और इनमें नंबर वन जो टाइप थी, वर्स्ट सफरर्स कौन थे, जूस कह लो या जूश कह लो, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया, जो लोग भी इसको अपोज करते थे, ही स्टार्टेड अरेस्टिंग, पुलिस अरेस्ट करती थी और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डिटेन किया जाता था, कैंप वहां पे उनके ऊपर सीक्रेट जो है वो हर टाइम इनकी एक्टिविटीज को वॉच किया जाता था। एंड सबसे ड्रेडफुल क्या था, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को प्रॉपर इलेक्ट्रिफाइड वायर्स उससे कवर किया जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक्स होते थे, पर अगर कोई भी इसको क्रॉस करने की कोशिश करता था तो अल्टीमेटली उसकी डेथ होती। तो ये इतना ड्रेडफुल जो है, अभी तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद उसका नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट बताना है सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस में हम बताएंगे कि कैसे उसने पुलिस जो है उसकी अपॉइंटमेंट की नॉट इन यूनिफॉर्म, सोसाइटी में ये जो लोग थे बिना यूनिफॉर्म के, ठीक है, ये अलग अलग एरियाज में जाते थे और वहां पे लोगों की एक्टिविटीज को प्रॉपर वॉच किया जाता था। इसका नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस, उसने पूरी कंट्री को एक सोल्जर जो है वो फॉर्म में, लुक में चेंज कर दिया, ठीक है। गेस्टापो पुलिस जो थी, सीक्रेट पुलिस, व्हाट डू मीन बाय गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस, सीक्रेट पुलिस नॉट इन यूनिफॉर्म,
उनकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती थी, ठीक है। और इन लोगों का काम क्या होता था सोसाइटी में, कंट्री में, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और स्पाइज, स्पाइज का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं जासूसी करना लोगों की, स्पाइज, ठीक है। दीज वर द स्पाइसेस अपॉइंटेड बाय द हिटलर एंड नाजी पार्टी। इसके बाद और भी बहुत से उसने ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, सोल्जर्स, ग्रुप्स, जो अलग अलग एरियाज, अलग अलग स्क्वाड्स जो है वो कंट्रोल करते थे। क्रिमिनल पुलिस, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए अलग से क्रिमिनल पुलिस अपॉइंट की गई। यूनिफॉर्म, उनकी कलर, उनका यूनिफॉर्म का कलर डिफरेंट होता था। तो इस तरह से आप खुद सोचो कि कैसे प्लानिंग के साथ उसने कंट्री को कंट्रोल किया एंड हाउ ही डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप। इसके अलावा टॉर्चर चैम्बर्स, नेक्स्ट पॉइंट आप बताओगे, ये भी डिक्टेटरशिप का एक वर्स्ट वर्स्ट फॉर्म थी। टॉर्चर चैम्बर्स इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में टॉर्चर चैम्बर्स बनाए जिसमें पॉइजनस गैसेस रिलीज होती थी। जिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को या लोगों को वहां पे रखा जाता था, या जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स होते थे, ठीक है, जिनको बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अरेस्ट कर लिया जाता था, इनको टॉर्चर चैम्बर्स में सेंड किया जाता था। वहां पर क्या होती थी, पॉइजनस गैसेस, और उनको, उनकी जो पनिशमेंट होती थी अल्टीमेटली उनका फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन का मतलब टॉर्चर चैम्बर्स किन के लिए, जिनको हिटलर चाहता था कि वो अनडिजायरेबल है कंट्री, अनडिजायरेबल, जिनको वो कंट्री में नहीं चाहता था। और उनका फाइनल सोल्यूशन क्या था, फाइनल सोल्यूशन ओनली डेथ। लेकिन उसने डेथ, किल, मर्डर ऐसे वर्ड कभी यूज नहीं किए, उसने हमेशा उनके लिए क्या वर्ड यूज किया, फाइनल सोल्यूशन फॉर दीज अनडिजायरेबल। फॉर दैट ही कंस्ट्रक्टेड मैनी टॉर्चर चैम्बर्स इन विच पॉइजनस गैसेस वर रिलीज्ड एंड लोगों की सफोकेशन के साथ डेथ हो जाती थी वहां। तो ये सारा था उसका मोस्ट ड्रेडेड फेज व्हेन ही कन्वर्टेड जर्मनी इनटू डिक्टेटरशिप। क्लियर, एनी डाउट बेटा? Any doubt? Raise your hands. Yes, we have completed how many topics? Problems faced by Weimar Republic. उसमें कितने टॉपिक्स आ जाते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साय, ठीक है। ऐसे अब जितना मैंने आपको करवाया ना, इसको पूरा सीक्वेंस में याद करो, ठीक है। सबसे पहले हमने की है प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स में ही ट्रीटी जो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, इसको अच्छी तरह से, इस टॉपिक को याद करो अलग से, इसको अलग से टॉपिक आपने इसको याद करना है। देन इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम पीरियड याद, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ वर्साय साइन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्राइसिस हुए 1923 में। उसके बाद फिर हमने याद किया डिप्रेशन के पॉइंट्स, डिप्रेशन के पॉइंट्स 1929, ठीक है। इसी के साथ प्रॉब्लम्स में हमने बताए डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने किया आर्टिकल 48 और कोलिजन गवर्नमेंट, नवंबर क्रिमिनल, ये सारे इसमें लिखोगे। नवंबर क्रिमिनल किनको कहा गया, वाइमर रिपब्लिक को, और इनके ऊपर क्या लगा दिया गया, बॉर गिल्ड क्लॉज। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हमने प्रॉब्लम्स में बताने। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है That is rise of Hitler. अगर rise of Hitler आता है, popularity का question है Nazism का, same political क्या आएगा, instability, ठीक है। ऐसे headings में याद रखो, उन headings को आपने explain करना है। इसके बाद और क्या आपने बताना है, political instability, second point, harsh term, terms बता दो इसमें, treaty बता दो, ठीक है। हाँ, क्राइसिस सारा इसमें बता दो, इंस्टेबिलिटी में बता दो, क्राइसिस इसमें कवर कर दो सारा, क्योंकि मेन हमने इसमें हिटलर के बारे में ज्यादा बताना है, ठीक है। उसका करियर बताओ, पॉलिटिकल करियर बता दो फोर्थ, ठीक है। उसके बाद करियर के बाद पॉलिटिक्स, यानी कि ये थोड़ा सा बता दो कि इसने कैसे पॉलिटिक्स ज्वाइन की। उसके बाद यहाँ पे उसकी पार्टी का रिजल्ट बता दो,
नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा रिजल्ट ऑफ इस पॉलिटिकल पार्टी, तो ये भी एक तरह से एक जिसमें कहते हैं कि उसके लिए बेस्ट एफर्ट था। पहले 1928 में सिर्फ 2% मिले और 1932 में जाकर 37% मिलना, ये भी एक तरह से उसकी पार्टी का एक जिसमें कहते हैं कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद डायनेमिक पर्सनैलिटी वाले पॉइंट्स, अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट नहीं याद रहता तो आप उसको डायनेमिक पर्सनैलिटी को टू पार्ट्स में भी बता सकते हो। एक कर दो डायनेमिक पर्सनैलिटी और एक कर दो न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसको आगे कर दो। मीन्स आपने हमेशा याद रखना जब भी लॉन्ग क्वेश्चन बताते हो हेडिंग्स हो और उनको लाइंस 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन करना आपने, ऐसे नहीं कि हेडिंग छोड़ देना है ठीक है, या अकेली लाइंस में एक्सप्लेन नहीं करोगे। देन इसके बाद फिर हमने किया डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो वो आप सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, पिछला नहीं बताना इसमें, आप अपने कोई पॉइंट पिछला नहीं बताओगे इसमें। हमने क्या जो बताओगे सबसे पहले, नंबर 1 फायर ऑर्डर, ईयर याद रखना कौन से ईयर में पास हुआ, कौन से ईयर में पास हुआ, 28 February 1933। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट डेट मैंने बताई थी आपको, 30 January 1933 हिंडनबर्ग ने जब हिटलर को चांसलर बनाया था। फिर उसके बाद सेकंड बताना है एनेबलिंग एक्ट, एनेबलिंग एक्ट अलग से भी आ सकता है ठीक है, राइट अ नोट ऑन एनेबलिंग एक्ट 3 March, इसकी डेट याद रखू 3 March 1933। ये मैं को करवा रही हूँ 2 marks के लिए, 1 marks के लिए, अलग अलग डेट्स के अकॉर्डिंग ठीक है। देन थर्ड कैंप्स, पॉलिटिकल ऑम्पोनेंट्स के लिए कैंप्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए ठीक है। फोर्थ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड फिफ्थ हमने क्या किया, टॉर्चर चैम्बर्स। ठीक है, तो 3 topics हैं आपके, लेकिन ये 3 topics में आपके सेपरेट सेपरेट हेडिंग्स हैं, सेपरेट क्वेश्चंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इनको प्रिपेयर करना है क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो हिटलर ने प्रॉमिसेस किए थे क्या उसने फुलफिल किए, उसने प्रॉमिसेस किए थे फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारा आएगा रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी, ये टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक है। यानी कि जब उसने कंट्री को डिक्टेटरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब सारी पावर्स उसके हाथ में थी, क्या उसने जो प्रॉमिसेस लोगों के साथ किए थे क्या उसने फुलफिल किया, लेकिन अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ठीक है। तो ये है रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, हिटलर कहीं ना कहीं अपनी ट्रिटीज ऑफ जो पीस ट्रिटी थी उसका बदला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की विनर कंट्री से लेना चाहता था, इसीलिए उसने कंट्री को वैसे ही तैयार किया। कैसे तैयार किया, कि ऐसे कंट्री को तैयार करना कि कंट्री को नेक्स्ट वॉर के लिए प्रिपेयर किया जाए, इसीलिए उसकी रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी में हमने सबसे पहले पढ़ना है कि 1 फुल एम्प्लॉयमेंट, उसने लोगों को उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए पहले शुरू शुरू में क्या किया, जो फुल एम्प्लॉयमेंट का उसने प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल करने के लिए 2 main याद रखो, उसने कंस्ट्रक्शन, जब भी किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट करवानी होती है ना तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू करती है ताकि उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, प्लस कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना जिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं लोग उनका ड्रीम करते हैं ठीक है। लाइक इसने क्या किया, वॉक्स वैगन, ये जर्मन का सबसे बेस्ट ब्रांड है ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वॉक्स वैगन जो है वो उसने प्लांट, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो जर्मनी में लगवाया, और पीपल ड्रीम्स कार यानी कि लोगों को कम रेट के ऊपर कार जो है वो दिलवाना ठीक है, ये उसने किया। एंड सेकेंड उसने किया सुपर हाईवेज रोड्स कंस्ट्रक्शन, सुपर हाईवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर हाईवेज रोड्स ठीक है, और दूसरा आपने बताना है वॉक्स वैगन कार। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी कि उसने क्या किया, कंट्री में हाईवेज रोड्स कंस्ट्रक्शन,
कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो करवाई ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जो लोग कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं या यंग जनरेशन जिनके पास नॉलेज थी उनको इंगेज किया जाए कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसके लिए उनका जो फ्रेंड था उसका नाम था हलमर सैशे, HALMAR हलमर, SCHACHET हलमर सैशे, ये इनका एक फ्रेंड था जो सारी इनको एडवाइस देता था। अब ये सोच लो कि जैसे हम कहते हैं ना कि IAS ऑफिसर जो होते हैं वो मिनिस्टर्स को एडवाइस देते हैं, ऐसे ही हलमर सैशे एक बहुत अच्छे फेमस इकोनॉमिस्ट थे जो हिटलर को एडवाइस देते थे कि उनको किस तरह से कंट्री की रिकंस्ट्रक्शन एंड वॉरफेयर पॉलिसी कैसे अडॉप्ट करनी चाहिए। हिटलर के माइंड में था कि जो विनर कंट्रीज ने उनकी एरियाज को लिया है, कौन कौन से एरियाज को लिया था, कैन यू, राइनलैंड एक और एरिया था, रूर। अब ये हिटलर उन एरियाज को वापस भी लेना चाहता था, ठीक है। इसके लिए अब हिटलर को पूरे वर्ल्ड से, जिसे हम कहते हैं ना कि जैसे मतलब जो भी उसकी इंसल्ट हुई थी वो इंसल्ट का बदला लेना, ठीक है। अब इसके पीछे ना एक और जो है पॉइंट है, आपको बच्चे पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको कहा गया लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इतना याद रखो लीग ऑफ नेशन का मेन मोटिव क्या था, इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश करना ताकि फिर से कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना, क्योंकि चाहे विनर कंट्रीज थी चाहे डिफीटेड कंट्रीज थी, सभी कंट्रीज वॉर से फेडअप हो चुकी थी। उनको सबको लगता था कि वॉर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साई में एक ये भी क्लॉज था कि जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन का मेंबर बन गया। लेकिन अब हिटलर की गवर्नमेंट जब आई तो हिटलर की गवर्नमेंट ने क्या किया, 1933 में लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप को क्या कर दिया, ही पुल्ड आउट। पुल्ड आउट का मतलब क्या होता है कि नाउ ही विल नॉट बी द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन, यानी कि उसने ट्रीटी ऑफ वर्साई के टर्म्स को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तो 1933 से ही वो विनर कंट्रीज की नजर में आने लगा कि किस तरह से उसने ट्रीटी ऑफ वर्साई के टर्म्स को डिनाई कर दी। अब उसने ये कहा कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वो पहले वाइमर रिपब्लिक ने ट्रीटी साइन की थी, अब उसकी अपनी गवर्नमेंट है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्लियर। तो ये उसका एक फर्स्ट इन्विटेशन था 1933 में विनर कंट्रीज को अट्रैक्ट करने, क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट फिर उसने क्या किया, जैसे जैसे उसकी कंट्री में डेवलपमेंट होती गई, सेकेंड आपने ये सारा फर्स्ट पॉइंट में आप बता दोगे, सेकेंड पॉइंट में आपने बताना है उसकी वॉरफेयर पॉलिसी, इसी को ही बता दो वॉरफेयर पॉलिसी। ये पॉइंट यहाँ पे ले आओ कि किस तरह से उसने वॉरफेयर पॉलिसी राइनलैंड के ऊपर अटैक किया एंड इन 1936 रीऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है, जो पहले जर्मनी का ही पार्ट था राइनलैंड, ट्रीटी ऑफ वर्साय में जिस एरिया को विनर कंट्रीज ने ले लिया था, तो 1936 में ही रीऑक्यूपाइड राइनलैंड, ठीक है। तो 1936 में उसने ऑक्यूपाइड किया राइनलैंड को, वापस ले ली। देन इन 1938 कंबाइन ऑस्ट्रिया, अपने साथ ऑस्ट्रिया को कंबाइन कर लिया, क्लियर। रेस्ट बेटा वी विल डिस्कस टुमारो एंड रीड द चैप्टर थॉरली बेटा।